हेलो फ्रेंड्स, आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से रिलेटेड। अभी कल ही NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको CSO भी बोला जाता है, एक डेटा जारी किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने और बोला है सितंबर में 7.4% महंगाई बढ़ गई है। जी हाँ, 7.4% महंगाई बढ़ गई है। CSO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MoSPI के अंदर आती है और CSO ने ये भी बोला है कि ये महंगाई जो बढ़ी है सितंबर में, ये फूड प्राइसेस के कारण बढ़ी है। फूड जो है यानी कि खाने के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि महंगाई अगर खाने के प्राइसेस के कारण बढ़ती है, इसका मतलब देश के बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होते हैं। एक और चीज़ बोली गई है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP से रिलेटेड बोला गया है कि IIP सितंबर में 8% घट गई है, -8% हो गई है। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है। IIP कैलकुलेट की जाती है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, जैसे कि माइनिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, कोल सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर IIP कैलकुलेट की जाती है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। थैंक यू वेरी मच।